नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जॉब प्लेसमेंट यूट्यूब चैनल। मैं मुकेश कुमार एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि फ्रेंड्स आप जानते हो, जॉब प्लेसमेंट चैनल यानी मध्य प्रदेश का एकमात्र ऐसा चैनल है जिसके माध्यम से आप अतिथि शिक्षक की कोई भी खबर होती है उसकी सटीक, बेहतर और लेटेस्ट जानकारी जान सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हो, लगातार जो अतिथि शिक्षक संघ के पदाधिकारी हैं, संघ समितियों के सदस्य हैं, जैसा कि आप देख सकते हो, शंभू चरण दुबे, सुनील सिंह परिहार, जगदीश शास्त्री और नीतू रजावत के द्वारा फ्रेंड्स आंदोलन की अब चेतावनी दे दी गई है। जैसा कि आप देख रहे हो, उपचुनाव से पहले यदि अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण नहीं किया जाता है तो अब संघ के जो सभी सदस्य, उन्होंने फ्रेंड्स सरकार को स्पष्ट चेतावनी दे दी है कि हम विशाल आंदोलन करेंगे ग्वालियर में। जैसा कि आप देख रहे हो, सरकार के शोषण के खिलाफ अतिथि शिक्षकों की जंगी प्रदर्शन अब 21 सितंबर को ग्वालियर में होगी, तो आगाज कर दिया गया है। स्पष्ट देख रहे हो, जगदीश शास्त्री ने प्रवेश प्रवक्ता के द्वारा फ्रेंड्स संघ को यह स्पष्ट कर दिया है, संघ एक साथ मिलकर संगठन करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हो, अतिथि शिक्षकों का जो संगठन है अब एक साथ मैदान में आ चुका है और सभी संगठन की एक ही मांग है कि 12 मार्च सेवा काल, पद स्थायी और गुरुजी की तर्ज पर नियमितीकरण हो। इस तरीके से फ्रेंड अतिथि शिक्षक के जो पदाधिकारी हैं, उन्होंने फ्रेंड सरकार को चेतावनी दी है कि अतिथि शिक्षकों का यदि फ्रेंड्स उपचुनाव यानी आचार संहिता से पहले बड़ा निर्णय नहीं होता है अतिथि शिक्षक के पक्ष में, तो हम फ्रेंड्स अब स्पष्ट देख रहे हैं। जगदीश शास्त्री ने तो कह दिया है डेट बाय डेट कि हम अतिथि शिक्षकों का जो चरणबद्ध आंदोलन होगा अब इस तरीके से होगा। 16 सितंबर को आप देख सकते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंस यानी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें सभी सदस्य शामिल होंगे। जैसा कि आप देख सकते हो, आज लाइव जो आपके शंभू चरण दुबे हैं, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है, सरकार को ऐलान कर दिया है। इससे पहले जगदीश शास्त्री ने 15 तारीख को भी वचन दिया था, जबकि नीतू रजावत और सुनील सिंह परिहार इससे पहले ही कह चुके हैं। तो स्पष्ट आप देख रहे हो, 16 सितंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, 17 सितंबर को विधायकों के घर सामने धरना प्रदर्शन होगा, जबकि आप देख रहे हो 18 सितंबर जिला स्तर पर भीख मंगाकर प्रदर्शन करेंगे, 19 सितंबर को जिले में रैली निकालकर संकेत रोड जाम कर सकते हैं अतिथि शिक्षक, जबकि 20 सितंबर ग्वालियर आंदोलन के लिए प्रस्थान होंगे सभी अतिथि शिक्षक। स्पष्ट देख सकते हैं, सुन लें, और यदि अतिथि शिक्षकों को विश्वास नहीं हो रहा तो आप पदाधिकारियों से सीधी बात कर सकते हैं। स्पष्ट देख रहे हो, 21 सितंबर अनिश्चितकालीन आंदोलन के लिए विशाल आंदोलन का आगाज होगा जिसमें सभी अतिथि शिक्षक फैंस मौजूद होंगे, साथ ही अतिथि शिक्षक के जो पदाधिकारी समिति के अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो भी शामिल होंगे। तो फ्रेंड्स, अतिथि शिक्षक अब एक संगठन में हो जाए और जो भी अतिथि शिक्षक फैंस नियमित होना चाहते हैं तो सभी सदस्यों से मिलकर एकजुट होकर ग्वालियर पहुंचकर विशाल आंदोलन में शामिल हों और धरने प्रदर्शन में फ्रेंड्स सभी का सहयोग प्राप्त करें। और अतिथि शिक्षक यदि नियमितीकरण की मांग करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और अनेक बंधुओं तक पहुँचाने का प्रयास करें। धन्यवाद दोस्तों।